फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे कि कोरोना या फिर कोविड-19 का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अभी अपने देश में कोविड-19 की जो दूसरी लहर स्टार्ट हुई है, इसके अंतर्गत अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसी की रोकथाम के लिए अपनी गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है और इसी की वजह से गवर्नमेंट ने कोविड-19 का टेस्ट करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया है। कोविड-19 के लिए जो टेस्ट होता है उसको RT-PCR टेस्ट कहा जाता है। RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। इस टेस्ट से ही शरीर में कोविड या कोरोना का पता लगाया जाता है। इसके थ्रू ही शरीर में जो RNA वायरस होता है उसकी जाँच की जाती है। RT-PCR टेस्ट करने के लिए शरीर में नाक और गले की जो म्यूकोसा होती है उसकी जो अंदर की जो लेयर होती है उसका स्वेब लिया जाता है। इस स्वेब को सैंपल के तौर में लैब में भेजा जाता है और इसी के थ्रू पता चलता है कि शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं है। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। कभी कभी ये समय ज़्यादा भी लग सकता है। RT-PCR टेस्ट आप कभी भी करवा सकते हो, भूखे पेट भी करवा सकते हो और खाना खाने के बाद भी करवा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये खाली पेट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि RT-PCR टेस्ट कराने में कितना खर्च लग जाता है या RT-PCR टेस्ट की रेट क्या है। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था और इंडिया में इसके केसेस जब स्टार्ट हुए थे, तब इस RT-PCR टेस्ट की कीमत लगभग 2400 रुपये के आसपास पड़ती थी। ये रेट स्टेट वाइज थी। अब इन दिनों में RT-PCR टेस्ट की कीमत लगभग 800 रुपये के आसपास है और अगर आप घर पर करवाना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट लगभग 1200 रुपये के आसपास होती है। अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं और किसी और को कोरोना होने से बचा सकते हैं। इस कोविड टाइम में अपने घरों में ही सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर पहनिए, साबुन से अपने हाथों को बार बार साफ कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो ही बाहर जाइए, अगर बहुत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर जाइए, अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को कोरोना से रिलेटेड या RT-PCR टेस्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।